सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जो तीन प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर NJCA नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है और इसमें इन्होंने जो कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनकी मांगों को तुरंत समाधान करने के लिए अनुरोध किया है और यदि ऐसा सरकार नहीं करती है तो जो कर्मचारी संगठन है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो कौन कौन सी मांगें हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और ये जो लेटर जारी किया गया है वो 18 अगस्त 2018 को लिखा गया है और इसमें जो कर्मचारियों की तीन प्रमुख मांगें हैं उसमें सबसे पहले मांग है जो न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की। उसके बाद में दूसरी जो मांग है वो न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना। और तीसरी जो इस मांग है वो है पेंशनर्स के लिए और वो मांग है कि जो फॉर्मूला वन है पेंशन रिवीजन का वो अलाउ किया जाए पेंशनर्स के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो पेंशनर्स हैं उन्हें फ़ायदा होगा और उनकी जो पुरानी पेंशन है उसको 2.57 का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उससे गुणा किया जाएगा और गुणा करने के बाद में जो नई वैल्यू आएगी ये उनकी रहेगी नई पेंशन। तो इसमें क्या है, सरकार ने दो फॉर्मूले दिए हैं, एक तो पुरानी पेंशन ऑप्शन वन है और एक नॉशनल पे फिक्सेशन का। तो नॉशनल पे फिक्सेशन में पेंशनर्स को नुकसान हो रहा है, उन्हें कम पेंशन मिल रही है। तो ये तीनों मांगों को लेकर NJCA ने ये लेटर लिखा है और अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी इन मांगों को सुलझाया जाए क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज की मीटिंग हुई थी 30 जून 2016 को और 6 जुलाई 2017 को, उनमें भी मंत्रियों के समूह के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि सरकार कर्मचारियों की जो मांगें हैं इसमें न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की, पेंशन के बारे में उन पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है और सरकार ने एक दो बार लोकसभा में जानकारी दी है कि सरकार के पास में जो न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की कोई भी प्रस्ताव या मांग लंबित नहीं है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से NJCA ने सरकार को ये लेटर लिखा है और अनुरोध किया है कि जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो प्रमुख मांग है उन्हें अति शीघ्र समाधान किया जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि NJCA हैज डिसाइडेड टू रिवाइव द डिसीजन ऑफ एन इंडिफिनिट स्ट्राइक इन ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये एक मांग है, ये प्रमुख यहाँ पर इन्होंने लाइन लिखी है कि सरकार ऐसा नहीं करती है तो NJCA देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। तो दोस्तों, ये केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है। यदि खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगी तो डिसलाइक करें और ऐसी लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।